हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हनी है। अगर आपको भी कोई अपनी रियल इंसिडेंट स्टोरी हमको भेजनी हो तो वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान एरिया में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचा कर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर हॉस्पिटल के लिए जाने को कहता है, लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर की दिल में यह ख्याल आ जाता है कि क्यों ना यह केस वह सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वह उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ वहाँ के एक डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होगा। तभी वह इंसान रिपोर्टर से कहता है कि डॉक्टर से जाकर मिल लेते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाते हैं। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात ही अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर से पहले से परिचय होने की वजह से दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया था। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल चुका है। अचानक डॉक्टर उठकर कहता है, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करता है। लेकिन वह इंसान काफ़ी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके
किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा डॉक्टर। जैसे ही किचन में आते तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर उस इंसान से लाइटर लेते हैं, और जैसे ही वह लाइटर जलाते हैं वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर यह घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। दरअसल यह सब देखकर के उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मरी हुई अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर यह सुनकर चकित रह जाता है क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह यह रिपोर्टर ही था जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब बाद में लड़की ने शादी करने के लिए कहा है तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता कि यह तो केवल उसका दिखावा था और रिपोर्टर की मौत से ये कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में ऐसी और अच्छी हॉरर स्टोरी आपको मिलने को ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू।